Hello students, today we will start the control system. Okay, but before starting the subject, हमें ये understand करना बहुत important है कि ये subject हमें पढ़ना क्यों है. Why control system is so important to us? Okay, अगर हम control system की बात करें, तो अगर आपको किसी भी system की stability calculate करनी है, so उसके सारे methods आप control system में पढ़ते हो, like Bode plot, like Nyquist plot, right, root locus. Like root Hurwitz, all the methods you study in control system. Okay, किसी भी system का analysis करना है, चाहे वो open loop system हो, चाहे वो closed loop system हो, तो वो सारे analysis आप पढ़ते हो control system में. So practically ये subject हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important है. Okay, now अगर मैं exam point of view से बात करूँ, so for both electrical and electronics branch and both examination. Gate and ES. दोनों ही एग्जाम में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच दोनों के लिए ही ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बात करें गेट में तो हर साल आप 6 to 7% मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल सिस्टम में, और अगर आप बात करें आईएएस में सो अगेन आप 5 to 7% मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल सिस्टम से. ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ अगर मैं बात करूं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए पहले से, व्हाट इज अ प्री रिक्विजिट टू स्टडी कंट्रोल सिस्टम. ओके, सो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें बेसिक चीजें जो आनी चाहिए वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म. यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम हर जगह यूज करेंगे क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में आपको हर एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है. तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आपका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विद ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर जीरो. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा अगर आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ना चाहते हो तो. सेकंड जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए वो है आपका मैट्रिक्स. ओके, तो मैट्रिक्स अगर आपको अच्छे से आता है, ओके, सो आप अगेन कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो. ओके, सो मैट्रिक्स की नेसेसिटी क्यों है कंट्रोल सिस्टम में, जब आप स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ोगे जो कि लास्ट टॉपिक है आपका कंट्रोल सिस्टम का, तो वहां पर भी आपको कंप्लीट मैट्रिक्स एनालिसिस ही करना है. ठीक है ना, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड मैट्रिक्स, अगर ये दो टॉपिक मैथ्स के बेसिक्स अगर आपको आते हैं तो आपको कंट्रोल सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. एक और टॉपिक हम कंसिडर कर सकते हो जो आपको पहले से आना चाहिए, That is called complex analysis. जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एंगल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का. ओके, एंड आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप नाइक्विस्ट प्लॉट और बोडे प्लॉट वगैरह पढ़ोगे तो आपको एंगल एम्पलीट्यूड हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगा. ओके, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैट्रिक्स एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अगर ये आपको आता है बेसिक मैथ्स, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने में और समझने में. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट अगर हम लोग ये जान लें कि हमें कंट्रोल सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है. ओके, सपोज करिए अगर हम एक लिस्ट बना लें यहां पर कंटेंट वाइज कि हमें क्या क्या पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम के पूरे सब्जेक्ट में फॉर गेट एंड आईएएस फॉर बोथ ब्रांच. So, जो हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है यहां पर वो पढ़ना है बेसिक्स ऑफ सिस्टम्स. ओके, इस पे हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है, इस पे हमें पढ़ना है कि जो कि हमने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, या हम नहीं पढ़े तो हम सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे सिस्टम का बेसिक. मींस सिस्टम को हम जब इनपुट देते हैं तो सिस्टम किस तरह से प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है. कंट्रोल सिस्टम जैसा मैंने आपको कहा प्रैक्टिकल सिस्टम है, सो ऑलवेज हमें कंट्रोल सिस्टम में एलटीआई सिस्टम ही यूज करना होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. ओके, अगर हमें सिस्टम का एनालिसिस पता है तो कैसे हम आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करके हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें एनालिसिस करनी है बेसिकली बेसिक्स ऑफ सिस्टम में. हमें यह भी पढ़ना है बेसिक्स ऑफ सिस्टम में कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है,
ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में कौन सा सिस्टम बेटर है, फिर हमें यह भी पढ़ना है कि क्लोज लूप सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक का क्या इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव फीडबैक का क्या इंपैक्ट होगा, और नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक में कौन सा फीडबैक बेटर है. ओके सो ये सारी चीजें हमें बेसिक्स ऑफ सिस्टम में स्टडी करनी है. ओके बेसिक ब्लॉक डायग्राम हमें स्टडी करना है बेसिक्स ऑफ सिस्टम में. बेसिकली हमें कंट्रोल सिस्टम का जो सिस्टम वाला पार्ट है उसका पूरा एनालिसिस कर लेना है, उसके पूरे बेसिक्स का, इस फर्स्ट सब्जेक्ट में, इस फर्स्ट चैप्टर में. ओके नाउ जो सेकेंड चैप्टर हमें पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम में, वो हमें पढ़ना है ब्लॉक डायग्राम्स एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ. ओके तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर आपने देखा बेसिक्स ऑफ सिस्टम, वो तो आपका मेनली थ्योरिकल ही होगा. अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो आपका आईएएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और थ्योरिकल पीएसयूज के लिए इंपॉर्टेंट होगा. गेट के लिए जनरली उस टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं. लेकिन अगर मैं सेकेंड टॉपिक की बात करूं ब्लॉक डायग्राम एंड एसएफजी, तो ये टॉपिक आपके गेट और ईएस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है. गेट में लगभग हर साल बोल सकते हैं आप, या एक साल के गैप में एसएफजी से, सिग्नल फ्लो ग्राफ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है. और आईएएस में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ क्यों पढ़ना है हमें, ये टॉपिक क्या अचीव करेंगे इस टॉपिक को पढ़ के हम. सो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो सिस्टम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, चाहे उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड हो, वी कैन कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम यूजिंग ब्लॉक डायग्राम. फिर जब हमने ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, सो सिग्नल फ्लोग्राफ क्यों पढ़ना है फिर हमें. सिग्नल फ्लोग्राफ इसलिए पढ़ना है हमें क्योंकि ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करें, इवन आप सब्जेक्टिव की भी बात करें, सो बहुत सारे स्टेप्स आपको लगेंगे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू. अगर आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इक्वेशन आपके बहुत बड़े बड़े क्रिएट हो जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे या आपका टाइम वेस्ट होगा. इसीलिए हमें सिग्नल फ्लोग्राफ की जरूरत होती है. सिग्नल फ्लोग्राफ के थ्रू भी आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. और सिग्नल फ्लोग्राफ का एक और एडवांटेज है जो कि ब्लॉक डायग्राम में नहीं था, वो ये है कि आप रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स. ठीक है ना, मीन्स अगर आपके बीच के भी जो नोड्स हैं, जो बीच के भी आउटपुट्स हैं, उनके बीच पे भी आप रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं. ठीक है ना, जैसे इनपुट नोड की कंडीशन होती है, आउटपुट नोड की कंडीशन होती है, वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे डिटेल में. बट अगर मैं ब्रीफ में बोलूं तो ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लोग्राफ दोनों का ही यूज, जो मेन यूज है, वो ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने में है. सिग्नल फ्लोग्राफ का एक एडवांटेज यूज है, एक और यूज है कि आप एनी टू वेरिएबल्स के बीच में भी रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं. सिग्नल फ्लोग्राफ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सिग्नल फ्लोग्राफ में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी पढ़ना है, मेजोन्स गेन फॉर्मूला, जो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या होता है ये फॉर्मूला. ओके नाउ नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, दैट इज थर्ड चैप्टर, इट इज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. और आप बोल सकते हैं कि जो कंट्रोल सिस्टम आपका सब्जेक्ट है उसके जो मेन न्यूमेरिकल पार्ट है या मेन जो आपका डेरिवेशन पार्ट है वो आपका यहीं से स्टार्ट होता है. तो ये टॉपिक बोल सकते हैं बहुत ही मेजर टॉपिक होगा गेट और आईएएस दोनों एग्जाम्स के लिए और दोनों ब्रांचेस के लिए, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए. ओके तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पे बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, हमें यहां पर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पढ़ने, लाइक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. दोनों ही सिस्टम के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स अप्लाई करके देखना है कि आउटपुट कैसे आएंगे. हमें यह देखना है कि सिस्टम्स का ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस कैसा है, स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस कैसा है. ठीक है ना, हमें डिटेल में स्टडी करना है व्हाट इज ट्रांजिएंट रिस्पांस, व्हाट इज स्टडी स्टेट रिस्पांस. ठीक है ना, ट्रांजिएंट मींस, अभी के लिए अगर ब्रीफ में बात करूं मैं, ट्रांजिएंट मींस जो स्टेबल नहीं है, जो लगातार क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है. स्टडी स्टेट मींस जो एक फिक्स हो चुका है, कॉन्स्टेंट हो चुका है, स्टेबल हो चुका है. सो बेसिकली हमें स्टेबिलिटी का एनालिसिस करना है. ठीक है ना, और
हमें यह भी एनालिसिस करना है कि जब हम स्टडी स्टेट पे पहुंच गए, जैसे कि हम स्टेबल हो गए, तब स्टडी स्टेट एरर कितनी आई, मींस जो हमने आउटपुट सोचा था स्टेबल होने पर, क्या हमने वो अचीव किया है। तो अगर हमने अचीव कर लिया है तो स्टडी स्टेट एरर आपकी क्या हो जाएगी, जीरो, और हमने अगर अचीव नहीं किया तो स्टडी स्टेट एरर आपकी प्रेजेंट होगी। ओके, सो हमें बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम मेन होंगे हमारे, उसके अंदर हमें ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस, स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस, स्टडी स्टेट एरर, ये सब का एनालिसिस करना होगा। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि यहां पर आपको डैम्पिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसका एनालिसिस आपको करना होगा। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। सो ओवरऑल हमें इतनी चीजें एनालिसिस करनी है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में। ओके, बहुत ही बड़ा टॉपिक है आपका और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ गेट एंड आईएएस। ओके, नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है यहां पर, वो पढ़ना है हमें रूथ हर्विट्स। ओके, इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्यों जरूरत है हमें रूथ हर्विट्स की। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि कंट्रोल सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं। कंट्रोल सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं बिकॉज इफ वी वॉन्ट टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम, देन उसके जो सारे मेथड्स हैं वो आपके कंट्रोल सिस्टम में ही आते हैं, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंट्रोल सिस्टम में आपका। सो रूथ हर्विट्स जो है वो स्टेबिलिटी निकालने के लिए काम आता है आपकी। आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा कि कोई भी सिस्टम स्टेबल होगा जब उसके सारे रूट्स या उसके सारे पोल्स जो हैं वो क्या होंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। ओके, बट सपोज करिए आपको कोई सिस्टम दिया हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, जिसके जो पोल्स हैं वो इस तरह से गिवन है, एस की पावर 4 प्लस 5 एस क्यूब प्लस 6 एस स्क्वायर माइनस 9। ओके, मींस वो फोर्थ ऑर्डर का है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि रूट्स कौन कौन से हैं, आपको रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ना। सो रूट्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, क्योंकि ना तो आईएएस के ऑब्जेक्टिव में ना ही गेट के ऑब्जेक्टिव में ऐसा कैलकुलेटर अलाउ होता है जिससे आप रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। आईएएस के ऑब्जेक्टिव में तो अलाउ ही नहीं होता कैलकुलेटर आपका, और गेट के ऑब्जेक्टिव में भी आप फोर्थ ऑर्डर का कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सो सपोज करिए फोर्थ छोड़िए, अगर सिक्स ऑर्डर का आ गया तब आप क्या करेंगे। सो ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट कर पाना कि रूट्स की लोकेशन क्या है, ठीक है। सो इसके लिए एक मेथड बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड रूथ हर्विट्स। सो रूथ हर्विट्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपके कौन से पोल्स राइट हैंड साइड में हैं, कौन से पोल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में हैं, और कौन से पोल्स आपके इमेजिनरी एक्सिस में हैं, ठीक है ना। उसके करस्पॉन्डिंग आप बता सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल है कि वो अनस्टेबल है कि वो मार्जिनल स्टेबल है, ठीक है। सो अगर आपको हायर ऑर्डर इक्वेशंस गिवन है जिनके आपको रूट्स निकालने हैं, सो सबसे बेटर टेक्निक जो होती है वो होती है आपकी रूट हर्विट्स। ओके, इन हायर ऑर्डर इक्वेशंस को जो कि डिनोमिनेटर में होते हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के, उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो जिन इक्वेशन से हमें पोल मिलता है उन इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो रूट हर्विट्स में बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का यूज करते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने पोल्स हमारे राइट हैंड साइड में होंगे, कितने लेफ्ट हैंड साइड में होंगे और कितने इमेजिनरी एक्सिस में होंगे। सो ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका गेट और आईएएस दोनों एग्जाम्स के लिए और दोनों ब्रांचेस के लिए, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है आपका रूट लोकस। इन रूट लोकस क्या अचीव करते हैं हम, एक्चुअली होता क्या है, रूट हर्विट से आप रूट्स की पोजीशन तो निकाल सकते हैं कि वो लेफ्ट में है कि राइट में है, बट सपोज करिए कोई एक वेरिएबल हो हमारे पास के, जिसपे हमारे पोल्स का इक्वेशन जो है वो डिपेंड कर रहा हो, जिसपे हमारे पोल्स की वैल्यू डिपेंड कर रही हो, और अगर हम उस के को वेरी करें फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, तो आपकी जो पोल्स की जो वैल्यू है वो लगातार चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। सपोज करिए मेरा ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से है, एस प्लस थ्री प्लस के, सो मेरे पोल्स क्या हो जाएंगे, एस इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस के।
सो अगर मैं के की वैल्यू को 0 टू इन्फिनिटी तक वेरी करूंगा सो मेरे पोल्स की लोकेशन भी वेरी होगी, ठीक है ना। तो पोल्स की लोकेशन किस तरह से जनरेट होगी या किस तरह पोल्स की लोकेशन को वेरी करने से किस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, ये सब चीजें हम एनालिसिस करते हैं रूट लोकस में, जो कि रूट हर्विट्स में पॉसिबल नहीं था। रूट हर्विट्स में हम सिर्फ इतना बता सकते थे कि कोई भी एक पोल के की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लेफ्ट में है कि राइट में है कि इमेजिनरी एक्सिस में। बट रूट लोकस में हम के की वैल्यू को वेरी करा करा के एक ग्राफ जनरेट करते हैं लोकेशन ऑफ पोल्स का। सो रूट लोकस क्या है आपका, इट इज अ ग्राफिकल टेक्निक, ठीक है ना, विच शोज द पाथ ऑफ द पोल्स। ओके, सो रूट लोकस थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है, इसमें बहुत सारे आपके रूल्स होते हैं, पहले उन रूल्स को आपको समझना होता है डिटेल में, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम में अगर मैं बात करूं सबसे टफ टॉपिक कौन सा है, तो वो रूट लोकस ही है आपके लिए, लेकिन अगर इसके रूल्स आपने अंडरस्टैंड कर लिए तो उसके बाद सबसे आसान टॉपिक भी रूट लोकस ही है आपके लिए। ओके, क्लियर है पॉइंट। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक होता है हमारा, जो नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस। सो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में हमें करना क्या है, हमें यह देखना है कि जब हम किसी भी सिस्टम को साइनोसॉइडल इनपुट देंगे तो कैसे आउटपुट भी साइनोसॉइडल होगा। मींस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में हमारा इनपुट जो होगा वो एसी होगा और आउटपुट भी हमारा क्या होगा, एसी होगा, दैट्स इट, ठीक है ना। सो हमें एसी इनपुट्स एंड आउटपुट्स के साथ डील करना है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में, जबकि टाइम रिस्पांस एनालिसिस में हमारे इनपुट क्या होते थे, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट एंड पैराबोलिक इनपुट। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में हमारे इनपुट क्या होंगे, साइनोसॉइडल सिग्नल। ओके, और हमें यहां पर जिस तरह से हमने रूट लेकर में के की वैल्यू को वेरी कराया, यहां पर हम ओमेगा की वैल्यू को वेरी कराते हैं, फ्रीक्वेंसी को वेरी कराते हैं फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। तो हमें यह पढ़ना है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस। ओके, जो नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम में, वो हमें पढ़ना है पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट एक फ्रीक्वेंसी डोमेन की ही एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं बाय यूजिंग ओपन लूप सिस्टम, ठीक है ना। यहां हम क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी का एनालिसिस करेंगे, बट यूज किसका करेंगे, ओपन लूप सिस्टम का, वो हम देखेंगे जब हम मेथड पढ़ेंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है, पोलर प्लॉट को स्टेबिलिटी के लिए यूज तो किया जा सकता है बट जनरली हम करते नहीं है बिकॉज इट इज अ इनकम्प्लीट प्लॉट। इसका जो कंप्लीट वर्जन है वो हम पढ़ते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट में। ओके, सो पोलर प्लॉट में हम करते क्या है, बेसिकली पोलर प्लॉट में हम मैग्नीट्यूड एंड एंगल का ग्राफ बनाते हैं विथ ओमेगा वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, सो इसीलिए आपको किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना आना चाहिए। जब आप एस की वैल्यू जे ओमेगा पुट करें, आफ्टर दैट यू नो हाउ टू डिटरमाइन एंगल एंड एम्पलीट्यूड। दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बेसिक्स आपको आना चाहिए बिफोर स्टडिंग द कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो ये हमें पढ़ना है पोलर प्लॉट में, ठीक है। नाउ पोलर प्लॉट भले ही आपका इनकम्प्लीट प्लॉट है, लेकिन मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप नाइक्विस्ट प्लॉट नहीं पढ़ सकते। और नाइक्विस्ट प्लॉट गेट और आईएएस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग लगभग हर साल एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है वो पढ़ना है नाइक्विस्ट प्लॉट। नाइक्विस्ट प्लॉट में हमें क्या क्या पढ़ना है, नाइक्विस्ट प्लॉट में हमें पढ़ना है कि कैसे हम नाइक्विस्ट प्लॉट का यूज करके किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। नाइक्विस्ट प्लॉट को ड्रॉ कैसे करते हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट किस तरह से चेंज हो जाएगा, या नाइक्विस्ट प्लॉट पे क्या इफेक्ट होगा जब आपका ट्रांसफर फंक्शन पे ओरिजिन पे कोई पोल हो तो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें नाइक्विस्ट प्लॉट पे पढ़नी है, ठीक है ना। हमें ये देखना है कि जब हम कोई ट्रांसफर फंक्शन में जब हम कोई जीरो ऐड करते हैं तो क्या फर्क होता है उसकी स्टेबिलिटी पर, जब कोई पोल ऐड करते हैं तो क्या फर्क आता है उसकी स्टेबिलिटी पर, ये सारी चीजों का एनालिसिस हमें नाइक्विस्ट प्लॉट में पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आपको पोलर प्लॉट आता है तो आपको नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज इट इज अ कंप्लीशन ऑफ पोलर प्लॉट। सो ये बेस्ट पैटर्न माना जाता है टू डिटरमाइन द क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
दोनों ब्रांचेस के लिए, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स. नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन. ठीक है, इसमें हमें यह देखना है कि किसी भी सिस्टम की अगर हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन आर द टूल्स टू कैलकुलेट द, टू डिटरमाइन द, टू एनालाइज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. ठीक है ना, हमें इस पे यह देखना है कि गेन मार्जिन और फेस मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो फ्रीक्वेंसीज की जरूरत होगी, ओमेगा जीसी एंड ओमेगा पीसी, दैट इज गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन की तरह ही इंपॉर्टेंट है ओमेगा जीसी एंड ओमेगा पीसी. तो एग्जाम में आपको इन चारों में से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है. सो आपको चारों के चारों वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. ओके, नाउ गेन मार्जिन फेस मार्जिन में हमें यह भी देखना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन बाय लुकिंग एट नाइक्विस्ट प्लॉट. नाइक्विस्ट प्लॉट से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन, बोडे प्लॉट से कैसे कर सकते हैं हम लोग, सिंपल फॉर्मुले से कैसे कर सकते हैं हम लोग. हमें यह भी देखना है कि अगर हमें गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन पता है तो हम किस तरह से स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं सिस्टम की. हमें यह भी एनालिसिस करना है कि अगर हमें ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी पता है तो हम कैसे स्टेबिलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं सिस्टम की. तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन में. ओके, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है बोडे प्लॉट. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर 10, बोडे प्लॉट. सो व्हाट इज बोडे प्लॉट, कितना अलग है बोडे प्लॉट आपका नाइक्विस्ट प्लॉट से, ये भी आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर ही आता है. सो बोडे प्लॉट इसलिए अलग है क्योंकि बोडे प्लॉट में जो आपका एक्स एक्सिस होता है वो ओमेगा नहीं होता, वो होता है आपका लॉग ओमेगा. सो बोडे प्लॉट में आप मैग्नीट्यूड इन डीबी वर्सेस लॉग 10 ओमेगा का ग्राफ बनाते हो और एंगल वर्सेस लॉग 10 ओमेगा का ग्राफ बनाते हो. सो पूरे कंट्रोल सिस्टम में यही एक ऐसा प्लॉट है जहां हम लॉग 10 ओमेगा के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं. तो ओमेगा का लॉग लेने से क्या फायदा हुआ, इससे यह फायदा हुआ कि आप बहुत ही कम स्केल में, बहुत ही शॉर्ट स्केल में वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर सकते हैं. जैसे सपोज करिए अगर ओमेगा की वैल्यू आपकी 10 है तो लॉग 10 1 होगा, ओमेगा अगर आपका 100 है तो लॉग 100 2 होगा, ओमेगा 1000 है तो लॉग 1003 होगा. अगर आप देखेंगे तो आप स्केल में सिर्फ 3 तक गए हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी पे आप 1000 तक चले गए. इसका मीनिंग क्या है कि आपने बहुत ही शॉर्ट स्केल में आपने बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर ली. दैट इज बोडे प्लॉट, ये है एडवांटेज आपका बोडे प्लॉट का. ओके, तो ये भी टॉपिक जो है आपका गेट और आईएस में लगभग हर साल पूछा जाता है. नाइक्विस्ट प्लॉट और बोडे प्लॉट में से कोई एक क्वेश्चन आप हर साल एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, बोथ ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए. नाउ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इन ईएस बोडे प्लॉट के साथ साथ उससे मिलता जुलता एक और प्लॉट है, दैट इज कॉल्ड निकोल्स प्लॉट. ओके, ये भी आपको स्टडी करना होता है और हम देखेंगे कि हाउ इट इज वेरी सिमिलर टू बोडे प्लॉट. ओके, सो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, तो बोडे प्लॉट एंड निकोल्स प्लॉट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंपनसेटर एंड कंट्रोलर. नाउ इन कंपनसेटर एंड कंट्रोलर हमें यह पढ़ना है कि क्या एडवांटेज है इन्हें यूज करने का किसी भी सिस्टम में. अगर हमें ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस की सिस्टम का इंप्रूव करना है सो कंपनसेटर और कंट्रोलर किस तरह से हेल्प करेंगे उसे इंप्रूव करने में, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है. ठीक है ना, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनसेटर पढ़ने हैं, लाइक लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर. ओके, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर पढ़ने हैं, लाइक पीडी, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, पीआईडी. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैंने मेन मेन लिखे हैं आपके लिए. ओके, सो हमें डिटेल एनालिसिस करना है कंपनसेटर एंड कंट्रोलर का. हमें नेटवर्क सर्किट एनालिसिस भी करना है कंपनसेटर का, और कंट्रोलर का हमें ओपैम के थ्रू डायग्राम भी बनाना है. सो बहुत कुछ हमें इस टॉपिक में भी देखना है. अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं बोथ गेट एंड आईएस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट जनरली थ्योरी क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे गए हैं. आईएस में आप
बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे क्वेश्चन, गेट में हर साल नहीं पूछा जाता, टू टू थ्री इयर्स में आप एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंपनसेटर और कंट्रोलर से कोई क्वेश्चन आ जाए, बट आईएएस पे आप हर साल दो दो क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, थ्योरिकल क्वेश्चन फ्रॉम कंपनसेटर एंड कंट्रोलर दोनों ब्रांचेस के लिए। तो अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है स्टेट स्पेस एनालिसिस। स्टेट स्पेस एनालिसिस में आपको ये देखना है कि कैसे आप एलटीआई सिस्टम और नॉन एलटीआई सिस्टम दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसा हमने स्टार्ट में बोला था कंट्रोल सिस्टम में हमें एलटीआई सिस्टम का यूज करना है, लेकिन स्टेट स्पेस एनालिसिस में यू कैन यूज एलटीआई सिस्टम एज वेल एज नॉन एलटीआई सिस्टम, ओके, दैट मींस एनी सिस्टम। आपको यह देखना है कि स्टेट मॉडल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टेट मॉडल हमें पढ़ने हैं। लाइक हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए स्टेट मॉडल बनाना होगा, हमें नेटवर्क सर्किट के लिए स्टेट मॉडल बनाना होगा, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए स्टेट मॉडल बनाना होगा, हमें ट्रांसफर फंक्शन के लिए स्टेट मॉडल बनाना होगा। सो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। हमें यह जानना होगा स्टेट मॉडल बनाने से पहले कि वॉट आर द स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स से हमें क्या फायदा होने वाला है, स्टेट वेरिएबल्स हमें क्या बताते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है स्टेट स्पेस एनालिसिस में। और फाइनली जो हमें स्टेट स्पेस एनालिसिस में पढ़ना है वो पढ़ना है कि वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस की। तो उसके लिए पढ़ना है कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, ओके। इसके अलावा भी हमें सॉल्यूशन ऑफ स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशंस पढ़ने हैं हमें, ट्रांसफर फंक्शन पढ़ना है हमें सिस्टम का इन द स्टेट स्पेस एनालिसिस। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है स्टेट स्पेस एनालिसिस पे। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए स्टेट स्पेस एनालिसिस, ओके। नाउ जो लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम का, जो कि आप बोल सकते हो मेनली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही होता है ये टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम, ओके। सो इस टॉपिक को मेनली मैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए लूंगा। आपको इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम के बीच रिलेशनशिप देखनी है, ठीक है। आपको बेसिकली मैकेनिकल के दो इक्वेशन को कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल के टू पैरेलल एंड सीरीज आरएलसी इक्वेशंस के साथ, ओके। इसे भी हम पढ़ेंगे ब्रीफ में, ओके। तो ये आपको टोटल टॉपिक्स पढ़ने हैं, टोटल चैप्टर्स पढ़ने इन कंट्रोल सिस्टम, ओके। जैसा कि मैंने आपको कहा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकली दोनों के लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपने एक बार सीख लिया तो एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आपके सही होंगे ही होंगे। जबकि बाकी कुछ सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप सब्जेक्ट तो पूरा पढ़ के चले जाते हो लेकिन फिर भी क्वेश्चन इतने टफ हो जाते हैं कि आपसे एक आध क्वेश्चन नहीं बनता है। लाइक ईएमएफटी की बात करें या कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, अगर 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है जो टॉपर से भी नहीं सॉल्व हो पाता। लेकिन कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है तो एग्जाम में आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो बच्चे रैंक ला रहे हैं वो इस सब्जेक्ट में एक भी नंबर अपना खो नहीं सकते, उन्हें इस सब्जेक्ट में पूरा का पूरा नंबर स्कोर करना ही होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेसिक्स ऑफ सिस्टम्स, ओके। गुड बाय।